आफत ज़दा कराची के बासियों की सुनी गई। वज़ीर आज़म ने शहर कायद की तरक्की के लिए 1100 अरब रुपए के मेगा पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज में विफाक और सूबे दोनों का हिस्सा होगा। साफ पानी, सीवरेज सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मसाइल हल होंगे। सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन, ट्रांसपोर्ट और सड़कों के मामलात भी पैकेज का हिस्सा। नाले विफाक साफ करेगा। बेघर होने वालों की आबादकारी सूबा करेगा। इमरान खान की वजीर आला और गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पैकेज का पहला फेज 1 साल और बाकी मरहले 3 साल में मुकम्मल होंगे। तमाम फैसले PCIC के तहत होंगे। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी, तो मिलके जो हमारा टोटल पैकेज है 1100 अरब रुपए। जिस तरह हमने कोरोना के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इसका मतलब यह है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे और पाकिस्तानी फौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो सफाई करनी है इनकी बहुत बड़ी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी।